जॉन अब्राहम की आने वाली बड़ी फिल्म की बात करें तो वो है सत्यमेव जयते 2। जी हाँ, 2018 में आई फिल्म सत्यमेव जयते का सीक्वल होने वाली है फिल्म सत्यमेव जयते 2। इस फिल्म को लेकर रीसेंट अपडेट ये है कि इस फिल्म के जो फर्स्ट लुक्स हैं, फर्स्ट पोस्टर जो है हमारे सामने आ चुके हैं और इस फिल्म में हमें जॉन अब्राहम के साथ साथ दिव्या खोसला भी नजर आने वाली है। तो सबसे पहले इन पोस्टर्स पर नजर डालते हैं। इसीलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि जो 2018 में सत्यमेव जयते फिल्म आई थी 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन 2018 को रिलीज की गई थी और उस फिल्म ने अक्षय कुमार की गोल्ड को दमदार टक्कर दी थी बॉक्स ऑफिस पर। इसीलिए इस फिल्म से लेकर जो उम्मीदें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और ये फिल्म इसीलिए स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये फिल्म जो है देश से जुड़ी होने वाली है यानी पैट्रियोटिक टेस्ट की होने वाली है ये फिल्म। और अगर हम बात करें इस फिल्म में हमें जॉन अब्राहम दमदार कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं और साथ ही साथ दिव्या खोसला भी। वहीं इस फिल्म की डायरेक्शन की बात करें तो मिलाप जावेरी ने इस फिल्म की डायरेक्शन दी है। जब से 2018 में सक्सेस मिली थी फिल्म सत्यमेव जयते को तब से मेकर्स ने ये बता दिया था कि वो इस फिल्म का जो सीक्वल है वो जरूर लेकर आएंगे। तो अब ये फिल्म जो है अनाउंस हो चुकी है और साथ ही साथ इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो भी बता दी गई है, 2 अक्टूबर 2020 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। जी हाँ, इस दिन जो है शहीद उधम सिंह की बायोपिक जिसमें हमें विकी कौशल नजर आने वाले हैं वो भी रिलीज होने वाली है और साथ ही साथ फरहान अख्तर की जो तूफान फिल्म है वो भी 2 अक्टूबर 2020 को रिलीज होने वाली है। यानी कि अगर तीनों फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं तो महाक्लैश होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर। पर फिलहाल आपको बता दें कि जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2 अनाउंस होने पर उनके फैंस जो हैं काफी ज्यादा खुश हैं।